नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन। हरियाणा एक्सप्रेस से सफर करने वाले लोगों के लिए ये खबर काफी अच्छी होने वाली है। जो स्टूडेंट्स या फिर व्यापारी वर्ग के लोग हैं जो कि अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं, उन्हें अब बार बार अपने रूट तक पहुंचने के लिए ट्रेन को दोबारा नहीं बदलना पड़ेगा। बता दें कि करीब 26 सालों के बाद सिरसा से गुरुग्राम के लिए हरियाणा एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हुई है। पहले हरियाणा एक्सप्रेस सिरसा से दिल्ली विभिन्न रूटों के जरिए जाती थी, लेकिन अब ट्रेन सिरसा से हिसार, भिवानी, रेवाड़ी, गुरुग्राम होते हुए दिल्ली पहुंचेगी। फिलहाल एक्सप्रेस ट्रेन को आरक्षित रखा गया है और यात्री सीट रिजर्वेशन के बाद ही यात्रा कर सकेंगे। ट्रेन तड़के 2:25 पर सिरसा से रवाना हुई। इससे पहले शनिवार देर शाम को सांसद सुनीता दुग्गल ने ट्रेन को दिल्ली के तिलक ब्रिज स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। अब जिला सिरसा सीधे तौर पर हरियाणा की कॉरपोरेट कैपिटल कहे जाने वाले शहर गुरुग्राम से जुड़ गया है। इस अवसर पर रेलवे स्टेशन अधीक्षक नरेंद्र कुमार ने बताया कि लंबे समय के बाद ये ट्रेन चली है जो रेवाड़ी से होते हुए सीधी गुरुग्राम जाएगी। इससे लोगों को बहुत लाभ भी मिलेगा व रेलवे प्रशासन को भी लाभ मिलेगा। फिलहाल रिजर्वेशन के आधार पर ही ये सीटें मिल रही हैं। DRUGC सदस्य सुखविंदर सिंह बराड़ ने कहा कि यह ट्रेन सिरसा वासियों के लिए एक तोहफा है, इससे लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। स्टूडेंट्स या फिर व्यापारी वर्ग अब सीधे गुरुग्राम जा पाएंगे। हालांकि पहले ऐसा संभव नहीं था। ट्रेन में यात्रा कर रही यात्री अमित ने भी बताया कि वह गोरखपुर से है। 1.5 साल बाद ये ट्रेन चली है, जिससे उसको ये लाभ हुआ है कि वो सीधा ही गुरुग्राम पहुंच पाएगा। सांसद सुनीता दुग्गल ने बताया कि इस गाड़ी के चलने से आमजन व रोजगार के लिए गुरुग्राम जाने वाले युवाओं को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा और यह सिरसा जिले के लिए एक वरदान भी सिद्ध होगी। यह गाड़ी सिरसा रेलवे स्टेशन से प्रातः है 2:35 पर चलकर 8:35 पर गुरुग्राम व 9:30 दिल्ली पहुंचेगी। इसी प्रकार ये गाड़ी शाम को 5:30 से चलकर 6:30 गुरुग्राम और रात 12:30 वापस सिरसा पहुंचेगी। तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।